हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आलोक मिश्रा। वेलकम टू ऑन माय प्लेटफॉर्म टीचिंग जंक्शन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। आइए, आज हम इस सीक्वेंस में जो आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसमें हमने CDP के क्वेश्चन आपको करा दिए थे, और हम अब प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो आपका EVS सेक्शन है। EVS सेक्शन के एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फटाफट आप सभी लाइव जुड़ोगे और आज के हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आपके EVS की पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो एज इट इज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है। तो आप लोग फटाफट करके अपने इस सेशन को अटेंड करेंगे और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में आप शेयर कर सकते हैं। सर, शो नहीं हो रहा है। चलिए भाई, आप लोग क्लास को अटेंड करेंगे, ज्वाइन करेंगे और एक एक क्वेश्चन की हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। आइए हम बढ़ते हैं और इस सीक्वेंस में जहां हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन जो आपका रहेगा। हाँ जी, गुड इवनिंग। जहां हम बात करें कि 61 क्वेश्चन नंबर जो आपका EVS का सेक्शन आता है, एनवायरमेंटल स्टडीज के प्रश्न होते हैं, और होपफुली आप सबको प्रॉपर दिख रहा होगा, वॉइस ऑडिबल है या नहीं एक बार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें। वॉइस इज ऑडिबल, वीडियो क्वालिटी इज क्लियर और नॉट, एक बार हमें कमेंट करके बताओगे। हाँ जी जितेंद्र जी, हेलो। तो ये आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट है, ये EVS सेक्शन का है, जिसमें EVS में आपके साइंस के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है, SST के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। इसमें पैडागॉजी सेक्शन पर भी बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पैडागॉजी जो होगी, चाहे आप SST की पैडागॉजी कर रहे हैं या आप EVS की पैडागॉजी कर रहे हैं, देखिए एक दो क्लास हम आपके लिए लाएंगे जो कि हम जिसमें जो SST की पैडागॉजी कराएंगे, साइंस की पैडागॉजी कराएंगे, ये भी सेक्शन जो होगा आपके जो पैडागॉजिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आइए एक एक क्वेश्चन की हम प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। आज का जो ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वन क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक, वन सेकंड। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, और फटाफट सभी अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जैसा आप सभी देख रहे हो, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। कोयला फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है या नहीं, वुड, लकड़ी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या नेचुरल गैस। आंसर्स करिए, इनमें से कौन से फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल है, इनमें कौन से जीवाश्म ईंधन के उदाहरण होंगे। आंसर्स फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। फॉसिल फ्यूल कहते किसे हैं, पहले आप तो मुझे यही बता दो, यही आप लोग डिफाइन करिए कि फॉसिल फ्यूल क्या है, जीवाश्म ईंधन किसे कहेंगे। कोयला, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैसें हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें हैं, ये क्या होंगे, ये फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल है। ये सभी क्या होंगे, जीवाश्म ईंधन के एग्जाम्पल है। जीवाश्म ईंधन का मीनिंग ये होता है जब मृत पदार्थ, मृत जो जीव जंतु या पेड़ पौधे, वही पेड़ पौधे भी जब दब जाते हैं पृथ्वी के अंदर, या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जब मृत हो जाते हैं, पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं, तो ये जो फॉसिल्स है, जीवाश्म है, जो मृत पदार्थ है, जीवाश्म, तो इनसे ईंधन, कुछ फ्यूल के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो पेट्रोलियम के उत्पाद है वो फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है। नेचुरल गैस में CNG आता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये फॉसिल फ्यूल है। कोयले की बात करें तो कोयला हमें पेड़ पौधों के सड़ने गलने से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन यहाँ आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जैसा आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा ईंधन नहीं है, तो जो लकड़ी है, वुड कोई फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल नहीं है, जबकि हम बात करें ये सभी जो होंगे वो फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल है, ये सभी जीवाश्म ईंधन के एग्जाम्पल होंगे। होपफुली आप सबको अपने आंसर्स मिले होंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो आपका क्वेश्चन होगा उसका राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर, यहाँ वी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएंगे। होपफुली आप सबको ये सेशन समझ आ रहा है, मजा आ रहा है। एक बार इस सेशन को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके साइंस में पूछे जाते हैं और ये ज्योग्राफी वाले पोर्शन से भी पूछा गया ऐसा प्रश्न। क्वेश्चन अगर आप यहाँ केयरफुली देखिए तो आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, ऊर्जा का परंपरागत सोर्स कौन सा है,
आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 62, ठीक है। जहां आप देख रहे हो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत किसे कहेंगे? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत भाई सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी या फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। तो आंसर्स करिए कि कौन सा विकल्प यहां आपका सही होगा, ठीक है। आंसर्स करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स में लिख के बताइए। चलिए आप सभी के हम आंसर्स देख रहे हैं और आप सभी फटाफट करके अपने आंसर्स बताओगे। सविता अनुरागी जी का बी ऑप्शन है। भाई बी ऑप्शन किस क्वेश्चन के लिए आप कर रहे हो? पंकज कुमार जी का ऑप्शन ए है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 62 है या सेकंड नंबर का क्वेश्चन है? फटाफट बताइए। ए, वेरी गुड। ए कितने लोग आंसर्स कर रहे हैं भाई? जितेंद्र जी ने ऑप्शन ए करा है या पंकज जी आंसर्स ए कर रहे हैं? अभी आप पिछला क्वेश्चन देखते आ रहे हो। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा सोर्स वो होंगे जो पृथ्वी पर दबी जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु के मृत शरीरों से बनेंगे, जो एनर्जी सोर्स बनेगा, जो ईंधन बनेगा, वो क्या कहलाएगा? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है और ऑप्शन है वो फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। अभी आपने एग्जांपल्स देखे हैं कि फॉसिल फ्यूल में होगा नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैसें आती हैं, इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, पेट्रोलियम के उत्पाद आते हैं, और हम बात करें कोयला, कोयला हम बात करें, ये सभी फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल हैं। और जो जीवाश्म ईंधन है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। भाई सोलर एनर्जी क्या है? नेचुरल ऊर्जा का स्रोत है, प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है, परंपरागत नहीं, गैर परंपरागत कहेंगे। टाइडल एनर्जी, ज्वार भाटा ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, ये सभी गैर परंपरागत होगा। परंपरागत ऊर्जा का सोर्स अगर हम देखें वो है फॉसिल फ्यूल, जिसे हम कहेंगे जीवाश्म ईंधन, और ऑप्शन यहाँ आपका डी होगा। होपफुली आपको ये आंसर समझ आ रहा है या नहीं। एक बार अगर नहीं आ रहा तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, और मेधावी जी ने भी आंसर सही करा है। एक बार यहाँ अपने आप को आप करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन आपका होगा फॉसिल फ्यूल, जिसे हम कहेंगे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। क्लियर? हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है और ये साइंस में भी यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। ये रहेगा आपका साइंस वाला भी सेक्शन रहेगा। चलिए आंसर्स देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा। पौधों के ऊपरी भाग से वाष्पों के रूप में जल की जो क्षति होगी उसे क्या कहेंगे? लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जो जल की क्षति होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हमें करके बताइए। ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, इसे कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। आलोक विश्वकर्मा जी, ये कौन सी सीडीपी है? भाई ये सीडीपी नहीं, ये ईवीएस के क्वेश्चन है, वो थंबनेल आपको पुराना लग गया है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, ग्रोथ वृद्धि है, रेस्पायरेशन श्वसन है, ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन। क्लियर? तो ऑप्शन अगर आप देखिए कि कौन सा विकल्प यहां सही होगा, फटाफट अपने आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। पौधों के ऊपरी भाग जो वाष्प, ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जो जल की क्षति होगी इसे कहेंगे ट्रांसपायरेशन, इसे कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। जो पौधों के लीव्स होते हैं, पत्तियां होती, पत्तियों में पोर्स पाया जाता है, रंध्र पाए जाते हैं, और इन रंध्र से वाटर वेपर निकलता है, H2O और O2 का पत्तियों से बाहर निकलना ही क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वेपरा, या इसे ट्रांसपायरेशन कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये कहां से प्राप्त होता है, तो आपको पढ़ाया गया है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के बारे में मैंने बताया था। अगर आपको याद हो तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस किसे कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, सनलाइट, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा, और जो पौधे हैं बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, और उससे क्या बनाएंगे? पौधे अपने भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, और उसके बाद H2O और O2 जो निकलेगा वो यही एवोपोरेशन करेगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, और ये पूरी प्रक्रिया जिसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। होपफुली आप सबको ये चीजें क्लियर हो पा रही हैं। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा नेक्स्ट। द एनिमल हु कैन मूव इट ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस व्हिच हेल्प हिम टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, वह जंतु कौन सा है
जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। आंसर्स करिए कि कौन सा विकल्प यहाँ आपका सही हो जाएगा, अपने आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे फटाफट। सविता अनुरागी जी का 63 का डी आ रहा है, ये क्वेश्चन आपका 64 है, अपने आंसर्स बताओगे कि कौन सा विकल्प यहाँ आपका सही हो जाएगा। चलिए भाई, आप सभी के आंसर्स हम देख पा रहे हैं। क्वेश्चन जैसा आपसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा जंतु है जो कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा लेता है। ऑप्शन है लंगूर, स्लॉथ, डॉग, कुत्ता या बाघ। आंसर्स बताओगे आपका विकल्प कौन सा होगा, आंसर्स करिए। 64 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ ऑप्शन है टाइगर, बाघ, जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत तेजी से घुमा लेता है और बाहर के ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। तो ऑप्शन यहाँ जो 64 का आपका हो जाएगा वो है बाघ। भाई बाघ ऐसा जंतु है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बड़ी तेजी से घुमा लेता है, क्लियर। तो ऑप्शन यहाँ बाघ होगा। बाघ के सुनने की क्षमता सर्वाधिक होती है, जो उसके हियरिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। हम आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा नेक्स्ट। चलिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और ये जो क्वेश्चन होगा इसमें बर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए, ये पूछा गया कौन से पक्षी कैसे घोंसले बनाते हैं। आंसर समय करके बताओगे कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा, कैसे पक्षी हैं वो कौन कौन प्रकार के घोंसले बनाते हैं। ऑप्शन है सनबर्ड, सकरखोरा, कोयल, कलचुड़ी या दर्जन चुड़िया, ये सभी अपने घर कैसे बनाते हैं। अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। जो सकरखोरा है वो कैसा घर बनाता है, वो छोटे पेड़ की डाली पर लटका हुआ घोंसला बनाता है। जो सकरखोरा है वो छोटे पेड़ की डाली पर लटका हुआ घोंसला, इसमें बाल बारीक, घास पतली, टहनियां और सूखे पत्तों के कपड़े के चीथड़े से ये घर बनाता है। तो जो पहला होगा ये 4 ऑप्शन देगा। कोयल कैसे घर बनाती, कोयल अपना स्वयं का घर नहीं बनाती है, ये कौवे पक्षी के घोंसले में अपने अंडे को देती है। तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्लियर है। आप सभी अपने आंसर्स कर रहे हैं, आपके आंसर्स हम देख ले रहे हैं, ठीक है। जबकि हम कलचड़ी की बात करें, कलचड़ी जो कैसा घर बनाती है, कलचड़ी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला बनाएगी, उसके ऊपर पौधों की टहनियां, जड़े, बाल, रुई बिछी होंगी। और जो दर्जन चिड़िया है, दर्जन चिड़िया झाड़ी पर 2 पत्तों की नुकीली चोंच के सीकर से बनाया गया घोंसला। तो ऑप्शन हम यहाँ देख रहे हैं 4, फिर आपका होगा फर्स्ट, फिर है सेकेंड, फिर है थर्ड। 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन यहाँ अगर हम देखें, 4 सेकेंड फर्स्ट थर्ड, तो दैट इज द राइट आंसर इज ए, ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। होपफुली आप सबको अपने आंसर्स मिल गए हैं, जहां पे आपका ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, फोर अगर हम बात करें और फर्स्ट सेकेंड थ्री है, जहां हमने फोर फर्स्ट सेकेंड थ्री, तो डी ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा आपका डी, और होपफुली आप सभी को आंसर्स अपने मिल गए हैं। आंसर्स आप सभी कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, डी डी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है ऑप्शन आप सभी के। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ 3 एडेबल ईच ऑफ मेंबर ऑफ व्हिच रिच इन आयरन। क्वेश्चन आपका है 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक समूह में लौह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो आयरन है इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाएगी। आंसर करिए, ऑप्शन है स्पाइनेक, जैगरी या आंवला। ऑप्शन है पालक, गुड़ या आंवला। ऑप्शन है स्पाइनिक आमला टोमेटो, जैगरी कैबेज आमला, स्पाइनिक ऑनियन टोमेटो। तो आंसर्स करिए कि कौन सा विकल्प यहाँ आपका सही होगा, आंसर्स अपने फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह जिसके प्रत्येक समूह में लौह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और ऐसे खाद्य पदार्थ किसको सजेस्ट किए जाते हैं, ऐसे पर्सन जो एनीमिक है, जिन्हें एनीमिया हो जाती है, इनके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, रक्त अल्पता होगी, उनको ये पदार्थों का सेवन करने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा स्पाइनिक, जैगरी आंवला, पालक, गुड़ और आंवला। ये तीनों एक ऐसे पदार्थ है जो हमारी बॉडी में जो आयरन कंटेंट है, लौह तत्व की कमी को पूरा करते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, वेरी गुड, जितेंद्र जी का ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल सही है ऑप्शन आपके। हम आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट।
ये देखिए भाई, ये क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार सीटेट में पूछा गया। क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइटल ऑफ द लेशन ऑफ द क्लास फिफ्थ बुक रिटन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्रीज, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा पांचवी की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। ऑप्शन है एवरी ड्रॉप काउंट, बूंद बूंद दरिया दरिया, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो मच्छरों की दावत, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, उसी से ठंडा उसी से गर्म, ऑन द मूव अगेन, फिर चला काफिरा। आंसर्स करिए कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। फटाफट अपने आंसर्स हमें बताइएगा। और आप सभी अपने कमेंट कर रहे हैं जिसमें आप ले रहे हैं 68 क्वेश्चन और इसके आंसर्स को आप फटाफट करिए। ठीक है, तो जहां आप देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ऐसे कहा गया कि एक राष्ट्रपति द्वारा पांचवी के कक्षा में की पाठ पुस्तक में एक शीर्षक दिया गया है और ये शीर्षक किससे संबंधित है, तो ये जो शीर्षक जल से संबंधित है, वो शीर्षक है उसी से ठंडा उसी से गर्म, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ऑप्शन यहां आपका हो जाएगा सी। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 69। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। हिमालय में एप्पल मेडिकल प्लांट इज ओनली फाउंड इन हायर एल्टीट्यूड रीजंस, दिस प्लांट इज कैटेगराइज्ड एज। क्वेश्चन है, हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखेंगे। आंसर्स करिए फटाफट, अपने आंसर्स में बताओगे कौन सा ऑप्शन होगा। हिमालय में एप्पल एक ऐसा औषधीय पौधा है जो विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है, एक्जोटिक अन्य स्थानिक अबंडेंट प्रचुर, इंडेमिक स्थानिक या इनडेंजर्ड संकट अपन। तो जो हिमालय का एप्पल है औषधीय पौधा, ये इनडेंजर्ड में आएगा, ये संकटापन्न में आता है, और ऐसे जीव या ऐसे प्लांट जो इनडेंजर्ड में आते हैं, वन सेकंड, अरे इनडेंजर्ड ना होकर के ये स्थानिक होगा, पर्टिकुलर हिमालय में पाया जाएगा। भाई यहाँ थोड़ा आप करेक्शन कर सकते हैं, ये स्थानिक कहलाता है। वैसे इनडेंजर्ड ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल्स को कहेंगे जो कि लगभग विलुप्त हो चुके हैं और इनको रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। रेड डाटा बुक में एक रेड लिस्ट जारी की जाती है, उसमें शामिल किया जाता है। रेड डाटा बुक जो कि एक यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें ऐसे जीव और प्लांट्स, ऐसे जीव जंतु और प्लांट्स जो कि संकटाग्रस्त हैं, संकटापन्न हैं, इनडेंजर्ड हैं, जो कि हमारे समाज से या हमारे पर्यावरण से वो विलुप्त हो चुके हैं। जैसे डायनासोर, डायनासोर क्या है, बिल्कुल विलुप्त प्राय स्पीसीज है, और जो संकटापन्न होंगे जो कि विलुप्त होने के कगार पे है। तो हम बढ़ेंगे, शिमला जी का ऑप्शन डी है, वेरी गुड, ये ऑप्शन ऑप्शन होगा स्थानिक 69 का। 70 क्वेश्चन के आंसर्स करिए। देखिए ये क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ये ईवीएस में भी पूछा जाता है, और हम बात करें कि जो आपका एसएसटी का सेक्शन है वहां भी आपको देखने को मिलेगा। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है, आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सविता अनुरागी जी का ए आ रहा है, आंसर्स आप देखोगे 70 क्वेश्चन नंबर है। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है, भाई पृथ्वी से छोटा है मंगल, ए ऑप्शन होगा। और पृथ्वी के मतलब अगर हम देखें कि पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, बुध। और हम ये बात करें कि अगर पृथ्वी से देखते हैं तो पृथ्वी से दो ग्रह छोटे हैं, ठीक है, वैसे मरकरी भी होगा। तो आयोग ने भी इसके आंसर्स को दोनों में कहा था, कॉमन नंबर मिला था लोगों को, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये दोनों सही, मंगल बुध ऑप्शन यहां हो जाएंगे, ए और सी दोनों सही। क्लियर है, होपफुली आप सबको आंसर समझ आ रहे हैं। कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट में हमें लिखकर बताओगे। और शिमला जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं वो इस सेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, भाई क्या बात है, उनको अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, चेक करनी चाहिए। तो जो भी फ्रेंड्स आपके हैं क्लास फेलो, उन सभी ये रहेगा आपका टॉपिक नेक्स्ट कि हमारे देश में एक ऐसे गांव है जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10-12 फीट 3 से 3.5 फीट मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया गया है, ये गांव कहाँ के होने चाहिए। आंसर्स करिए फटाफट कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। चलिए फटाफट अपने आंसर हमें बताओगे कि यहाँ पर देख रहे हो जहां ये जो आपका क्वेश्चन लिया गया है ये आवास से संबंधित है, ये जो प्रश्न है ये आवास से संबंधित है कि भाई कौन से गाँव जो है, ये कहाँ के जो ग्रामवासी है वो ऐसे प्रकार के घर बनाते हैं
ऑप्शन हमें फटाफट करके बताइए कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, आंसर हमें फटाफट बताओगे। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम या उत्तराखंड। ठीक है, हाँ जी आंसर्स आप लोग बता सकते हैं हमें। वन सेकंड, तो देख सकते हो आप लोग कि जो प्रश्न पूछा गया है कि 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर जो घर बनाए जाते हैं वो आसाम के बनाए जाते हैं, आसाम में इस तरीके से घर बनाए जाते हैं। तो विकल्प आपका हो जाएगा सी। हम आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 72। 72 क्वेश्चन नंबर यहां पर हम देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। देखिए ऐसे भाई न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक न्यूमेरिकल जो है आपका ईवीएस सेक्शन में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है कोई छात्र ए पर है, वो बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए सबसे पहले वह ओ पर जाता है और ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर की दूरी पर वह बी से ठीक पश्चिम दिशा की ओर जाता है। ठीक है, ए से बी की दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की स्थिति क्या होगी। देखिए कल की क्लास में आप लोगों को हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और ज्योग्राफी में मैप को समझने के लिए टाइम, जो समय और स्थिति का पता होना जरूरी है और इस आधार पर आपके जो क्वेश्चन वहां भी कराए जाते हैं। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा रहेगा, ये है 72। तो 72 अगर आप देखते हैं तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा। कोई छात्र ए पर है और वो बी पर जाना चाहता है, कोई छात्र ए पर है बी पर जाना चाहता है, सबसे पहले वह ओ पर जाता है, पहले ये ओ पर जाया है और जो ए के ठीक उत्तर में है, ये देखेंगे तो ठीक उत्तर में है, फिर ये 120 मीटर दूरी पर ओ से बी की तरफ ठीक पश्चिम में जाता है। तो आपका जो फिगर बनेगा कुछ ऐसे ही बनेगा, आपका जो फिगर बन रहा है तो कुछ ऐसे ही बनेगा। अगर यहां हम देखें तो आपसे कहा गया है जो प्रश्न है कि ए के ठीक उत्तर में 120 दूरी पर है, अगर यहां देखो ये ओ हो जाएगा, यहां आपका ओ हो जाएगा, ये बी होगा, ये ए होगा, जहां आपका ये प्रश्न यही कह रहा है कि हम ओ से ठीक बी पश्चिम की दिशा में, इस तरीके से हम डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो ओ से बी पश्चिम की दिशा में ये ऑप्शन सही होगा। मतलब ये वाला जो हम माना है हमने ये सही है। ए से बी की दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी। तो यहां आप देख सकते हो डिस्टेंस की बात करें, ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर की दूरी पर, तो ए से 120 मीटर की दूरी पर ये डिस्टेंस 120 मीटर हो गई। ठीक है, ओ से बी ठीक 50 मीटर की दूरी पर, तो ये डिस्टेंस है 50 और ये आपका बन रहा है राइट एंगल ट्रेंगल। तो राइट ट्रेंगल में पाइथागोरस थियरम हम लगाएंगे और जहां हम सॉल्व करके इसे बता सकते हैं, तो ए बी का जो हो जाएगा वो 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये 1440 प्लस ये हो जाएगा 2500 ओवरऑल 1690, इसका मीनिंग होगा 130 मीटर। 130 मीटर तो आपका ऑप्शन ये होगा। ठीक है, लेकिन हम यहां अगर डायरेक्शन भी देख ले, हम विकल्प आपको बताएंगे, ऑप्शन आप लोग देखिए कमेंट फटाफट करके हमें बताओगे। तो जहां ये प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन की बात करें, ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए से बी की दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की स्थिति क्या होगी, तो ये दक्षिण पश्चिम होगी। ऑप्शन यहाँ होगा, ऑप्शन होगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो विकल्प आपके हो जाएंगे सही वो आपके क्या होंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने बताया आपको ए ऑप्शन यहाँ सही होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है स्लॉथ। स्लॉथ एक जीव है और इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ये टॉपिक आपको क्लास में भी करा दिए गए हैं। ठीक है, तो जहां आप देख रहे हो कि ऑप्शन आपका क्या होगा, स्लॉथ से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो फटाफट अपने इसके क्वेश्चन को देखोगे, स्लॉथ के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है, चुनाव करिए बताइए। ऑप्शन यहाँ अगर आप देखते हैं, ऑप्शन देखेंगे, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटके होते हैं, ये ऑप्शन सही है। आप लोग बताओ फटाफट। जहां हम बात करते हैं कि स्लॉथ जो है 17 घंटे सोता है, 17 घंटे वृक्ष पर लटका रहता है और वो भालू जैसा दिखता है, ये 22 घंटे, ऑप्शन सही नहीं है। कौन सा कथन सही है बताना, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन आप देखो,
स्लॉथ चिंपैंजी वन मानुष जैसा दिखता है, ये भी ऑप्शन वैसे ही गलत है। 17 घंटे लिख भी दे और चिंपैंजी कह दे तो ये भी गलत होगा। हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। स्लॉथ चिंपैंजी जैसा दिखता है, ये भी ऑप्शन यहाँ रॉन्ग होगा। जबकि हम बात करें नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन आपका ही सही हो जाएगा, जहां हम बात करते हैं स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग सत्रह घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटके रहते हैं। ऑप्शन यही सही होगा। अभी मैंने अभी नेक्स्ट अभी लो कल परसों की क्लास में मैंने ये टॉपिक आप सभी को कराया था। होपफुली आप सबको ये अपने आंसर समझ आ रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ स्लॉथ के बारे में डी हो जाएगा। जो भी लोग सेशन में इस समय लाइव जुड़े हैं, एक बार इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करके सेशन को लाइव भी कर सकते हैं। हम आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहेगा आपका प्रश्न, फटाफट करके अपने आंसर समय बताओगे। शिमला जी का ऑप्शन ए है, वेरी गुड। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 74। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते तो मलाई उस पर रह जाती है। ये सेपरेशन, ये पृथक्करण की एक विधि है। ये क्या है? इसे फिल्ट्रेशन कहेंगे, सीविंग कहेंगे, सेडिमेंटेशन कहेंगे या डिकेंटेशन कहते हैं। आंसर करिए, इसे निस्तारण कहेंगे, अवसादन कहेंगे, निष्यंदन कहेंगे, क्या कहेंगे इसे? जैसा आपको पता है कि जब हम दूध को कपड़े पर छानते हैं तो जो मलाई है उसके रह जाती है। तो ये कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? हार्डलेस इसके नाइस गुरु जी, थैंक यू सो मच भाई। हार्टलेस भाई, क्या नाम है आपका? हार्टलेस हैं आप। चलिए ठीक, तो आंसर्स आप यहां देखिए, ऑप्शन होगा फिल्ट्रेशन। जब हम दूध को कपड़े से छानते हैं तो जो मलाई रह जाती है ये प्रक्रिया फिल्ट्रेशन कहलाएगी, निष्यंदन कहलाएगी। ठीक है, तो आंसर्स आपका हो जाएगा ठीक ए, वेरी गुड। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहेगा, देखिए इससे संबंधित प्रश्न आपका हर बार पूछा जाता है। आप ये देख सकते हो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिया गया गोलकोंडा का किला मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे के बीच की दूरी इतनी है, तो जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच की कम से कम कितनी दूरी होगी? आंसर्स करिए आप सभी। ये कह रहा है कि गोलकोंडा के किले के बारे में दिया गया है क्लास 5th की एनसीईआरटी में, और गोलकुंडा किला में एक लोकेशन है, उस लोकेशन का नाम है जमाली दरवाजा। तो जमाली दरवाजा से डिस्टेंस कह रहा है, और कहाँ की डिस्टेंस है? जमाली दरवाजे से दूरी दी गई है। कहाँ की दूरी दी गई है? ये दी गई है जमाली दरवाजे के बीच की दूरी और फतेह दरवाजे के बीच की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? और उस मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दर्शाता है। तो 110 × 10.7 इसे सॉल्व कर लो आ जाएगा। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 110 × 1 ये आपका 77 आ जाएगा, और ये 78.7 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर यहाँ कौन सा होगा? वन सेकेंड, अगर यहाँ हम दशमलव हटा दें तो 1.17 किलोमीटर हो जाएगा। एग्जैक्ट जो आंसर आपका यही आएगा 1.177 किलोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, और यहाँ बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस ये जो है आपका 110 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करना है 10.7। क्लियर ना? तो इससे आपके आंसर्स आ जाएंगे 1.177 किलोमीटर आएगा। बी ऑप्शन यहाँ पूरा तरीके से सही होगा। दोनों के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे, फिर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, तो ऑप्शन यही बी आपका आ जाता है। हम आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट, ये रहेगा। देखिए क्वेश्चंस केयरफुली पढ़िए, ये पैडागॉजी का क्वेश्चन है। देखिए जब आप जो टॉपिक करते हैं, चाहे सीडीबी पढ़ रहे हो, ईवीएस कर रहे हो, तो उस टॉपिक को तो आपको करने ही है जो कंटेंट वाला फॉर्म है, लेकिन जो रिमेनिंग पैडागॉजिकल सेक्शन के क्वेश्चन है उनको आपको प्रैक्टिस से ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीजें हम जो बनाते, थिंग्स वी मेक एंड डू, एक आपका थीम है। थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने की कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं, तो आप निम्न में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? आंसर्स करिए, बताइए कि कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन है कम्युनिटी रिसोर्स, सामुदायिक संसाधन,
टेक्नोलॉजी रिसोर्स तकनीकी संसाधन, मीडिया रिसोर्स मीडिया संसाधन, या रिसोर्स इन नेचर प्राकृतिक संसाधन। आंसर्स करिए फटाफट, अपने आंसर्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 67 है। और यहां आप देखते हैं जब हम बच्चों को थिंग्स वी मेक एंड डू, जो हम चीजें करते हैं और सिखाते हैं, और हम कहेंगे बच्चों को कुल्हड़ बनाना या कुल्हड़ बनाने को सिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सामुदायिक संसाधन का, तकनीकी संसाधन, मीडिया संसाधन, या प्राकृतिक संसाधन। तो यहां आप देख सकते हो जो कुल्हड़ बनाने की प्रक्रिया वो कम्युनिटी वाला वर्क है, ऑप्शन होगा कम्युनिटी रिसोर्स, जहां हम बात करेंगे सामुदायिक संसाधन। विकल्प यहां आपके हो जाएंगे ए, ये टेक्निकल काम नहीं है, कुल्हड़ बनाना कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जो उसके सीखने की प्रक्रिया सिखाने की प्रक्रिया है वो कम्युनिटी से आएगी, ऑप्शन यहां हो जाएगा ए। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंस, निम्न में से कौन सा विज्ञान का एक सर्वाधिक या सबसे बेहतर स्पष्टीकरण देता है या उसकी व्याख्या करता है। साइंस इज द सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज एंड स्टैटिक, विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है। साइंस इज द बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। साइंस इज द ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एंड सिस्टमैटिक, विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है। साइंस इज बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एंड डायनामिक, विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं गत्यात्मक है। आंसर्स करिए, देखिए चारों की जो भाषा है वो लैंग्वेज है सिमिलर, तो आप सबको आंसर्स अगर में कंफ्यूजन हो सकती है तो फटाफट अपने आंसर्स में बताओगे कि कौन सा विकल्प यहां सही होगा, ठीक है। यहां हर जगह आपसे यह कहा गया है विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान है, विज्ञान संगठित ज्ञान है, विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई है, लेकिन विज्ञान केवल ज्ञान की इकाई ही नहीं, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया भी है। साइंस इज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट, विज्ञान ज्ञान की इकाई ही नहीं बल्कि विज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया भी है, ऑप्शन यहां आपका हो जाएगा बी। वेरी गुड गायत्री प्रजापति जी, अब आप क्लास अटेंड किया है आपने, ओके भाई। चलिए हम आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू NEP 20 या NCF 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन से कथन EVS सीखने का वर्णन करते हैं। आंसर है पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, अधिगमकर्ताओं के बीच विचार और कौशलों की साझा करना, प्रेषित की जा रही जानकारी को इकट्ठित करना, या अधिगमकर्ता जो लर्नर्स हैं उनके द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण करना। आंसर्स करिए कि कौन सा विकल्प यहां आपका सही होगा, फटाफट अपने आंसर्स हमें लिखकर बताएंगे। शिमला जी का ऑप्शन ए है, ये क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट रहेगा 78। तो आंसर्स करिए अकॉर्डिंग टू NCF 2005 आपका ऑप्शन क्या होगा। यहां आप देख सकते हैं ये सिक्वेंस ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, ऑर्डर आपका डी हो जाएगा, जिसमें पहले अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण किया गया है, फिर हमें करना है पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, उसके बाद बी करना है हमें इनके बीच विचार और कौशलों को साझा करना, फिर आपका आएगा डी ए बी। तीन ऑप्शन आपके सही होंगे, डी ए और बी ऑप्शन सही होगा, सी यहां सही नहीं है, जानकारी को प्रेषित करना इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं होगा। सो होपफुली आप सभी को अपने आंसर्स मिल रहे हैं। वन सेकंड, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और हम अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट रहेगा, ये है 79। निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या, 79 ये देखेंगे और इसका आंसर्स देखिए। भाई पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है, पर्यावरण में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है, ये बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, या हम कहेंगे विभिन्न थीम और सब थीम से रिलेटेड है। तो आंसर्स करिए कौन सा ऑप्शन यहाँ आपका सही होगा, जहां कह रहा है पर्यावरण अध्ययन एक विषय में क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं।
आंसर्स आप लोग फटाफट हमें करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 79, इसका मीनिंग है एनवायरमेंट इज अ सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू द चाइल्ड्स एनवायरमेंट, जो पर्यावरण है एक बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है। ऑप्शन यहां आपका हो जाएगा सी। हम आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। यह ईवीएस थीम के किस मुद्दे से संबंधित है? आंसर्स करिए फटाफट, जितने भी लोग लाइव हो इस आंसर्स को बताओ भाई। क्यों समाज में ऐसा प्रचलित है कि महिलाओं या लड़कियों से ही काम करने के लिए, जो होम किचन का काम है करने के लिए कहा जाता है, जबकि बच्चों को नहीं, मेल बच्चों को नहीं? क्योंकि यह विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को पोषित करता है, क्योंकि विद्यार्थियों के रोजमर्रा के जीवन से संबंधित है, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है, या ऑप्शन बताएंगे क्योंकि यह विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव को साझा करेंगे। ऑप्शन आप लोग बताओगे तो जहां आपका राइट आंसर क्या, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। हम आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 81, और आज है जो हम क्वेश्चन आपके रखेंगे, कोशिश करेंगे आज इतने ही क्वेश्चन आपको कराएंगे। भाई आप लोगों का अटेंशन अगर क्लास में नहीं मिलता तो एक मोटिवेशन नहीं मिलती कि आपको एक फिर प्रैक्टिस ज्यादा कराई जाए। आपका अटेंशन ही हमें थोड़ा मोटिवेट करता है कि आपको 9 से 10 भी हम क्लास दे पा रहे हैं, ठीक है? तो आपका इतना तो सहयोग बनता ही है कि कुछ और स्टूडेंट्स को आप शेयर करें और वो भी संख्या जुड़े तो और पढ़ाने में मजा आए, ठीक है ना? तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन के साथ ही आज हम आपकी प्रैक्टिस को ऑफ भी करेंगे। जो पूछा है, मीनिंगफुल ईवीएस लर्निंग कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ इट, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो यदि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव एवं विद्यालय के अनुभवों से ये संबंधित है, विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग और ज्ञान के लिए रचना के लिए किया गया है, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव को उचित महत्व दिया जाए, या प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया जाए। तो फटाफट अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी एक बार सेशन में लाइव है एक बार सेशन को लाइक कर सकते हैं और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में आप शेयर तो कर देंगे, जिससे और भी संख्या जुड़ करके इसको हम और भी यूजफुल बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 81 है और इसका जो आंसर होगा वो बिना कुछ सोचे समझे ए होगा, जहां विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव को विद्यालय के अनुभवों से जोड़ना है। यही ईवीएस का इम्पोर्टेंस है। ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है, ईवीएस की हम क्लास को बना सकते हैं जब ये व्यवस्था प्रोवाइड करें, ये चीजें हम बता पाए। होपफुली आपको ये सेशन कैसा लगा हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना, और आप सब लोगों की जो पार्टिसिपेशन है क्लास में वो देखकर उतनी मोटिवेशन फील नहीं होती है, सो फिर कहीं ना कहीं वो एनर्जी आ नहीं पाती जो आपको क्लास में दी जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो हमने सेशन करी, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई, उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही गए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये सेशन कैसा लगा? रोज आपके लिए हम 9 से 10 के बीच में 30-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, किसी दिन 20 भी कराते हैं, किसी दिन 30 भी कराते हैं। सो हम मिलेंगे अगले सेशन में, अगली क्लास में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मॉर्निंग में आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी, उसको अटेंड करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।